तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। 14 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है पटना से। 3,90,000 अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली, मतलब बीएड छात्रों को अभी भी राहत नहीं दी गई है। इस समय की ये बड़ी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि 1 से लेकर 5 कक्षा के लिए बीएड अभ्यर्थियों का सीट रिजर्व करते हुए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। 14 सितंबर को बीपीएससी का पहला रिजल्ट जारी होगा। अक्टूबर में पुनः दूसरे फेज बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन आएगा और नवंबर में परीक्षा ले ली जाएगी। एक ये बड़ी खबर है। जी हाँ, जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया, जो बच्चे को लग रहा है कि भैया हम कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, तैयारी में लग जाइए, एक और मौका आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ ठीक है, ये मत सोच के रहना कि यार इस बार वैकेंसी में हाथ से निकल गई तो क्या होगा कैसे होगा, एक और मौका। जी हाँ, पेपर फिर से वही हार्ड वाला ही आएगा, आसान पेपर की उम्मीद नहीं रखना है हमें। तैयारी अच्छी रहेगी, डेफिनेटली अगली बार आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो को देखिए। एक और दोस्तों नोटिस आती है केवीएस की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप यहाँ पर भी दोस्तों बीएड और जो डीएलएड वाला नहीं होता है सिस्टम, जैसे कि बीपीएससी में था कि अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो उसको डीएलएड में आप बदल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक मौका दिया जाएगा, इसको देख लीजिएगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, डीएलएड भी कर रखा है, तो उनको फायदा मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ बीएड कर रखा है उन बच्चों को तो भैया नुकसान होगा। बैठक आज की समाप्त हो चुकी है, अंतिम फैसला आ चुका है, तो आज सुबह से लेके रात तक की, जी हाँ दोस्तों रात तक की ये सब बड़ी अपडेट्स हैं। हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए कि 14 सितंबर को रिजल्ट आने वाला, मतलब 12 तारीख हो चुकी है और 14 तारीख को हमारा पहला रिजल्ट आएगा। जी हाँ दोस्तों, 12 तारीख की रात में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो सिंपल सी बात है, 24 घंटे का ही समय बचा है, मतलब 13 तारीख का जहाँ दिन खत्म हुआ 14 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तैयार रहिए एक बड़े रिजल्ट के लिए। पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ पर बच्चे नंबर कम भी पाएंगे तब भी उनका सिलेक्शन होगा, नहीं तो दोस्तों ग्रुप डी की चाहे कट ऑफ देखो, चाहे कोई भी कट ऑफ देखे हो, जहाँ पर बच्चों के नंबर कम थे वो बच्चे बाहर हुए, लेकिन ऐसा बीपीएससी में पहली बार होगा जो मिनिमम कट ऑफ पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्या बीएड छात्रों के लिए सीट होल्ड की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, होल्ड की जा सकती है, लेकिन डीएलएड छात्र इस पर अपनी आवाज़ जरूर बुलंद करेंगे, क्योंकि सीट होल्ड होने से नुकसान होता है। ठीक है ना, याद रखिए। देखिए, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में फैसला, बीएड के 3,90,000 अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली, अभी प्राइमरी में डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन दोस्त ये रिजल्ट तो दे सकते थे बीएड कैंडिडेट्स का भी, बाकी नौकरी देते कि ना देते वो बाद में सोचा जाता, लेकिन ये पासिंग मार्क जरा ध्यान से देख लीजिए, क्या आप लोग अपनी कैटेगरी से पास हो रहे हैं कि नहीं। जो बच्चे बिहार में जनरल कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरे थे, या जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट वाले, उनके लिए पास होने के लिए लाना पड़ेगा 48 नंबर, चाहे मेल कैटेगरी हो चाहे फीमेल कैटेगरी हो। ठीक है, दोनों में 48 नंबर ही पासिंग है, उससे कम नंबर पर आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आपका फिर फेल कहलाएगा। लेकिन आपको बता दें, सीट को भरने के लिए 100% सीट को भरने के लिए मिनिमम कट ऑफ को कम किया जा सकता है, जिससे सभी बच्चों को नौकरी मिले। देखिए, कट ऑफ इसलिए कम भी की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर दो पेपर हुए, आपका पेपर वन, ठीक है, जो कि दोस्त हमारा लैंग्वेज का पेपर था जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है ना, और पेपर टू जो कि कठिन पेपर था, ये लैंग्वेज का तो नहीं कहेंगे, जनरल स्टडीज का पेपर, लेकिन कठिन पेपर में से एक था, जिसमें देखिए लैंग्वेज वन में दोस्तों आपको बता दें, इसमें बच्चे आराम से 60 से लेके 80 नंबर तक स्कोर कर जा रहे हैं, बहुत ही आराम से। अगर ऐसा इसमें भी होता, मतलब ये परसेंटेज में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो अगर 260% होता तो 120 में से 60 नंबर तो बच्चों के आराम से बन जाते, ठीक है, नहीं 120 का देखिए 60% ज़्यादा होता, 50% हुआ, 60% निकालेंगे 20 से 20 कटा 12 72 नंबर, सोचिए आसानी से 72 नंबर स्कोर हो सकते थे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देखिए, बीपीएससी की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए अनारक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवारों के लिए 40% मार्क मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। तो हर जगह दोस्तों आपको अपनी नज़र बनाए रखिए कि कहाँ पर क्या मामला चल रहा है, क्या पासिंग मार्क है, कैसे क्या होना है, ठीक है ना, तो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम ट्विटर के माध्यम से अपडेट को देखते हैं जरा कि ट्विटर पर क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए ट्विटर पर आते हैं, तो सीधे ट्विटर ही ओपन करते हैं, देखते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अतुल जी ने क्या कोई नया ट्वीट किया, अभी तक इनका नया ट्वीट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 10 सितंबर का ही लास्ट ट्वीट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। 10 के बाद से इन्होंने कोई अभी तक ट्वीट नहीं किया है जहाँ पर कुछ बातें क्लियर हो सके। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचेंगे लगातार दोस्तों, कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट यहाँ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो KBS में भी दोस्तों नोटिस आ चुकी है, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं सीधे, तो ये पासिंग मार्क है दोस्तों, जैसे कि सबसे न्यूनतम पासिंग मार्क रखी गई है SC और ST कैटेगरी में, जहाँ पर 38.4 नंबर, ठीक है। इतने नंबर लाकर भी बच्चे पास हो सकते हैं, कितने में से 120 में, तो इन बच्चों की भी नौकरी पक्की मानकर चलिए, क्योंकि इससे कम नंबर पर पासिंग नंबर ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें अगर सीटें खाली रहती हैं तो बच्चों को मौका जरूर दिया जाए। और एक बात और ध्यान रखना है कि महिलाओं के दोस्त आपको पता होगा सीटेट में 75 नंबर तक पासिंग नंबर बना दिया गया था SC और ST के, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 82 नंबर के पासिंग मार्क। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जब सीटेट के पासिंग मार्क को कम किया जा सकता है तो डेफिनेटली BPSC का जो पासिंग मार्क है इसको भी कम किया जा सकता है इन केस की सीटें खाली रहती हैं, ठीक है। और सीटें खाली रहेंगी आप, ये आप देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर दोस्त KVS और शिक्षक भर्ती BPSC शिक्षा विभाग हर जगह से अपडेट देखने को मिल रही है जी हाँ। मतलब अब इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली है और 14 तारीख को पहला रिजल्ट आएगा जी हाँ। सभी बच्चों का मतलब नहीं होता है कि इंतजार जो होता है बिल्कुल इंतजार खत्म होने वाला है। और देखिए एक बात और आपको बता दें कि सीटेट ने भैया रिजल्ट फंसा के रखा है। पहली बार ऐसा हो रहा कि सीटेट तो बिल्कुल शांति चल रहा, लग ही नहीं रहा कि CBSE कोई संस्था है, इनके अभी तक आंसर की नहीं आ पाई जी हाँ दोस्तों। आंसर की भी अभी तक इनकी नहीं आ पा रही, इतना ज़्यादा लेट लगी थी, गजब की बात है, ठीक है। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है सीटेट को लेकर कि आंसर की तो भैया महाराज कम से कम दो, कि आंसर की उसके बाद ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है। देखिए आंसर की आती है उसके बाद कम से कम एक हफ्ते का समय देंगे बच्चे ऑब्जेक्शन फाइल करें, उसके बाद जाकर फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट आता है, ठीक है। तो क्या मैटर है क्यों आंसर की नहीं आ रही है, भगवान भरोसे, ठीक है। वेट एंड वॉच चल रहा है, BEd रिजल्ट पर रोक लग गई है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि DL Ed छात्रों का बोलबाला यहाँ पर है। और आपको बता दें वीडियो के अंत में, वीडियो खत्म होते होते 40 नंबर पर भी आप देखेंगे इस बार पहली बार दोस्तों इतिहास में होगा कि 120 में से 40 नंबर पाने वाले बच्चे भी नौकरी पाएंगे, भले वो आरक्षित वर्ग में हो, चाहे वो EWS पे हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, या दोस्तों EBC कैटेगरी से हो। मतलब कोई ना कोई ऐसी कैटेगरी होगी जहां पर मिनिमम नंबर लाने वाला बच्चा नौकरी करता हुआ आपको नजर आएगा। UR कैटेगरी दोस्तों अनरिजर्व जो कैटेगरी, इसी में थोड़ी दिक्कत है, अनारक्षित कैटेगरी में, नहीं तो पासिंग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोस्तों आप जो सीटें यहाँ पर हमने आपको दिखाई थी, इसमें 15,947 सीटें, इसमें 16,040, लेकिन 15,947 में उर्दू की भी सीटें हैं प्लस बांग्ला की भी हैं, ठीक है। इसमें टोटल इसमें तो कुछ कम कर दी जाएंगे तो सिर्फ हिंदी के हैं, आप इसे मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट को ही चुना होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, फिलहाल यहाँ पर ये कहेंगे कि DL Ed छात्रों की जीत हुई है, आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर सीटें होल्ड कर दी जाती तो आपका नुकसान होगा, 25% सीटें होल्ड करने का मतलब भी सीधे 20,000 सीटें होल्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र का टारगेट है अपना, देखते हैं क्या करती है सरकार, फिर मिलते हैं।